वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद, ये लॉ एंड ऑर्डर है। अरे लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सांसद कूटे जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया डायल 100 को डायल 112 कर दिया। मन भेद नहीं है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी में केवल मन भेद नहीं है, मठ भेद भी है। किसान डीजल खरीद रहा, किसान बिजली का बिल दे रहा, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही है, और आखिरकार ये मुनाफा कहाँ जा रहा है। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है, ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज़ बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें। और जो अच्छी गाड़ियाँ थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी के खास लोगों ने गाड़ियाँ छीन ली कि कहाँ ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको, रंग बदल के चला रहे हैं, सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था। और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की। उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद, ये लॉ एंड ऑर्डर है। सर वो बता रहे हैं कि पहले आप, अरे लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सांसद कूटे जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। मन भेद नहीं है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी में केवल मन भेद नहीं है, मठ भेद भी है। वो ऐसा मठ भेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग, और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं, ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है। किसान डीजल खरीद रहा, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई, कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेवसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग, गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है,
और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी, वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी, आखिरकार उन कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख ले लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जाने गई हैं, लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे और घंटे लोगों के इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।